जेल से जब निकले तो पूरा क्षेत्र में भी आतंक फैला हुआ है। अब क्या करेगा कुंदन सिंह, अब किसका हत्या होगा? देखिए, सात राजपूत का हत्या करा दिया आपको, रोसरा में नरसा 47 से भोज दिया, सिंगिया में अमरिंदर सिंह को मार दिया जिनका लड़का एसपी भी है। मुझे अंदाजा नहीं था मेरे भाई का हत्या करा देगा या कर देगा। मैंने उसके साथ जेल में भी रहे हुए हैं तो पैखाना जाता है तो चार गो खड़ा रखता है उनको मारने को, इतना डरा डरपोक है। लेकिन गोली चलवा चलवा के वो सब जगह आतंक फैला के पैसा तसीली करके वो सोचता है हम बहुत बड़ा गुंडा है। बहुत अफसोस लगा और मैंने सोच लिया जो मैं इस अपराधी का हर जो कुकर्म है उसका उजागर करूंगा। देखिए, कल रोसरा भी बंदूक चमका रहा था, 5-5 गाड़ी से राइफल बंदूक लेके चलता है, वो डराता है जो डरो हमसे। लेकिन वो दशक था जब वो डरा रहे थे, लेकिन ये जब निकले हैं जेल से तो लंबे अरसे से जेल में निकले हैं, ये सोचते हैं वही राज है जहाँ मैं 47 चमकाता था। उस समय चला गया आपका 47 का, वो अपने आतंक के बल पर सबको डरा रहा है, भौकाल दे रहा है जो डरो हमसे। लेकिन इस ऐसे ऐसे अपराधी से अशोक यादव अगर डरने लगे तब तो हो गया। देखिए भाई, उसको सब राजपूत को मरवा रहे हैं, ये आपको झाजी सबको मरवा रहे हैं, आपके पत्रकार भाई को मरवा दिए, उसका पैसा है। अगर वो आतंक नहीं करेंगे, घटना नहीं करेंगे तो भोजन क्या चलेगा उनको? 20 साल से अभी हमको मरवा चुके हैं, 2 बार गोली भी चलवा चुके हैं, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हुए। शायद ऊपर वाला का देन है। कभी वो लालू जी को देखे हैं नजदीक से, लालू यादव कौन है? वो लालू यादव को दिखाने वाला मैं हूँ उनको। उनका बेटा मरने पर था, उनकी पत्नी आई थी जेल गेट पर, तो मैंने ही उनको व्यवस्था करवाया था और उनसे मिलवाया था। और उनका बेटा जो आज जिंदा है वो अशोक यादव का देन है, क्यों? लालू जी यादव खुद उनके बेटा को एम्स में दिखवाए जो इनका बेटा आज जिंदा है। उनके पत्नी से पूछिए। लगातार कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि खास करके कि आपको भी जो है एक बाहुबली के रूप में यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, तो आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे, किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? मैं किसी को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, मैं अपने कर्म पर भरोसा करके चलता हूँ। मेरा काम ही है जनता का सेवा करना। और जैसे हसनपुर विधानसभा इतने दिन से अपराधी का गिरवी रखे हुए था, उसके अंदर में चल रहा था, ठीक, और यहाँ के आतंक से कुंदन सिंह से लोग त्रस्त थे और उसका काम था। देखिए, सात राजपूत का हत्या करा दिया आपको, रोसरा में नरसा 47 से भोज दिया, सिंगिया में अमरिंदर सिंह को मार दिया जिनका लड़का एसपी भी है, आपको हसनपुर में जितेंद्र जी है उनके बेटा को मरवा दिया, कई जादवों को मरवा दिया, हर जाति के लोगों को मरवा दिया। और मुझे पुलिस के द्वारा जानकारी 1 महीना पहले था जो कुंदन सिंह हत्या मेरा कराना चाहता था, तो मैं उसको उस मायने में नहीं लेता था। मैं जानता था वो मिलके ही दोस्ती करके और दूसरे को मारता है, खिला पिला उसका पैसा ही धंधा है, तो वो सब करता था, मैं उसके लिए कोई परेशान नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे भाई का हत्या करा देगा या कर देगा। जब मेरे भाई का हत्या करवा दिया उसने, तो हत्या किया या करवाया दोनों दोषी होता है। मुझे बहुत अफसोस लगा और मैंने सोच लिया जो मैं इस अपराधी का हर जो कुकर्म है उसका उजागर करूंगा। उसमें मुझे प्रशासन का साथ मिला, नीतीश जी का सरकार है, इसमें सुशासन है, मुझे एक न्याय पर भरोसा हुआ और मैंने उस ओर कदम बढ़ाया और मैंने कुंदन सिंह के खिलाफ कानूनी रूप से मैं आगे आया। क्योंकि कुंदन सिंह का काम है किसी को मरवा के फंसवा देना, अपने साथ के रहने वाला को ही मरवा देता है। देखिए, कल परसों चिमनी पर है उस 70 वर्ष से एक बूढ़ा को मार के हमको कहा था अशोक यादव को मुंह डाले करो, तो उसका धन एवं पैसा है। कभी सुने हैं आप लोग कुंदन सिंह का एक साइकिल का दुकान हसनपुर में है, कभी सुने हैं? नहीं सुने होइएगा। आपके पत्रकार बंधु जो विकास रंजन है रोसरा में, उसको मरवा दिया, उसका पैसा है। आतंक राज काम करके और तसीली करो, उसका पैसा है। देखिए, वो अपने भागडोर अपने भतीजे लोगों का दिया अपराध का, फिर आजकल अपने भागडोर अपराधी का अपने पत्नी का भागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन आप, हम इस बात से निश्चिंत हैं कि प्रशासन हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख में हैं।
ठीक, इसीलिए मैं उस प्रशासन से निश्चिंत रहता हूँ जो मुझे न्याय मिलेगा। और अभी जो कुंदन सिंह का कहना है, जो मुझे बेल मिला, तो बेल इसलिए नहीं मिला कि आतंक राइज आप कायम कीजिए। देखिए कल रोसरा में बंदूक चमका रहा था, 5-5 गाड़ी से राइफल बंदूक लेके चलता है, वो डराता है जो डरो हमसे, लेकिन वो दशक था जब वो डरा रहे थे। आप नीतीश जी के शासन में किसी गरीब को भी नहीं डरा सकते हैं। हसनपुर गांव में कई जो अच्छे लोगों पलायन कर चुके हैं, रोसरा हसनपुर बाजार में, रोसरा बाजार में जो व्यवसायी वर्ग हैं वहां से इसके आतंक से भाग चुके हैं, क्योंकि इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ है रंगदारी, मार दो, हत्या करा दो, पैसा तसली करो, लेवी करो, जो पुलिस भी जानती है, प्रशासन भी जानती है। लेकिन ये जब निकले हैं जेल से, तो लंबे अरसे से जेल में निकले, ये सोचते वही राज है जहां मैं 47 जब गाता था, उस समय चला गया आपका 47 का, ये कानून का राज है, आप कानून के अंदर रहिए, आप उछल कूद मत कीजिए, नहीं तो आपको बेल मिला है, आपको फिर बेल टूटेगा। आपको न्याय अभी नहीं मिला है, न्याय मिल गया है जो आपको सिर्फ बेल हुआ है, आप अन्यायी थे तब तो आपको सजा हुआ ना। आप कहते हैं जी हमको रिकॉर्डिंग देखिए, मोबाइल ट्रेस देखिए, कभी सुने हैं कोई मोबाइल ट्रेसिंग में कुंदन सिंह के नाम से कोई मोबाइल है? वो अपने आतंक के बल पर सबको डरा रहा है, भौकाल दे रहा है डरो हमसे। लेकिन इस ऐसे ऐसे अपराधी से अशोक यादव अगर डरने लगे तब तो होगी। लेकिन कुंदन सिंह का कहना है कि जो उनके जो कुछ जो शत्रु है या राजनीतिक साजिश के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक थे तो कुंदन सिंह कहीं का नेता थे, कभी वार्ड कमिश्नर बने हैं, आप लोग भी जानते हैं कहीं का कुंदन सिंह वार्ड कमिश्नर भी बने हैं। हमको लोग नेताजी कहते हैं, नेताजी नहीं कहते हैं, गुंडाजी कहते हैं। गांव घर में जब आप लोग जाते होइएगा तब मदारी अगर बंदर लेके जाता है, देखते पूरे गांव को लोग जुट जाता है, अब बंदर समझे जो हमको नेता मान लिया, तो आप सोच के किसी को नहीं रख सकते हैं। उनका कहना है जैसे वो कहते हैं जो मैं सिंह हूँ, सिंह हो, हम भी कहते हैं कि मैं शेर सिंह हूँ, तो हम शेर सिंह हो जाएंगे? कहने से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। जिन्हें जनता हमको चाहती है, आप किसी बुजुर्ग को देखे हैं जो उनके साथ जेल से जब निकले तो पूरा क्षेत्र में भी आतंक फैला हुआ है, अब क्या करेगा कुंदन सिंह, अब किसका हत्या होगा? अभी वर्तमान में 2 दिन से उसका प्लानिंग चल रहा है। देखिए आपको मुजफ्फरपुर से 10 वर्ष का माओवादी था, 10 वर्ष का सजा काट के निकला, उसके साथ था जो छोटे छोटे तबका का गुंडा है, जैसे समस्तीपुर में अखिलेश राय को मरवा दिए, तो छोटे छोटे गुंडा जमा करके वो संगठन बना रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास 4 बीघा जमीन है, वो 4 बीघा में खाएंगे कि अपराध पैदा करेंगे। और आप पटना दिल्ली जाइएगा तो कहेगा कुंदन सिंह जो मेरा 1000 बीघा जमीन है, 1-4 वो छोटा सा रूम है का अति का खपरा का, आप लोग जाइए जाइए होएगा देख लिया होइएगा, उसमें अपराधी सबका स्कूल चलता है। और कहता है उसका नाम है आश्रम, लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, आप गुंडागर्दी छोड़ के आप मुख्य धारा में लौटिए, समाज में लौटिए और समाज के बीच रहिए। क्या लग रहा है जिस तरह बाहुबली जेल से निकले हैं, क्या फिर वही आतंक राज हसनपुर विधानसभा में आने वाला है, क्या उसे डर लगता है? हम लोगों को तो थोड़ा भी डर नहीं लगता है, अगर हम लोग को डर लगता तो न्याय का साथ लेके मैं उसके खिलाफ में नहीं जाता। आतंक राज उसका कायम है, वो आतंक फैलाना चाहते हैं, तो इस सरकार में जो अभी सरकार है नीतीश जी का, उनमें इनका चलने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है, एक तरफ भाजपा के गुणगान कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी और नीतीश का गुणगान कर रहे हैं, क्या मायने हैं उनका? उनका बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं ना, उम्र के हिसाब से थोड़ा लोग गड़बड़ा जाते हैं, समझे, भाजपा के क्या साथ हैं बोलिए, क्या वो हसनपुर विधानसभा के विधायक हैं? वो उनका प्लानिंग है, निकले हैं तो DRM कब्जा करेंगे गोली चलवा के, RU कब्जा करेंगे रोसरा में, कहे उनके लिए खाने का कुछ व्यवस्था है नहीं, तो उनका कभी सुने हैं साइकिल का दुकान है हसनपुर में जो उनका भोजन चलता है? अपने आप को तो वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े जमींदार हैं। जमींदार हैं तो पता लगा लीजिए उनके पास कितना जमीन, जितने उनका जमीन है, मेरा जो भैंस गाय चराने वाला नौकर है उसके पास 5 बीघा जमीन है,
तो जमींदार कैसे हो गया? बहुत पहले जमाने में आप लोग देखते होइएगा, जो जमींदार लोग थे उनका बाल बच्चा का हाथी बिक जाता है और सिक्कर लेके कहते हैं ये हमारा बाबा का सिक्कर है, हाथी था। लेकिन उनका एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं आप पे और पुलिस पे गठजोड़ का आरोप लग रहा है। पुलिस पर अगर गठजोड़ रहता अपराधी का तो कुंदन सिंह जेल क्यों जाते? कुंदन सिंह ऐसा अपराधी, सातीर अपराधी जो सिर्फ बैठ के हत्या मर्डर कराया है और करवाया है, तो जेल के भीतर नहीं रहता, जेल के बाद बाहर रहते। इसका मतलब है अपराधी को पुलिस के साथ कोई गठजोड़ नहीं है। आप लोग जानते हैं समस्तीपुर जिला से और हसनपुर विधानसभा से इस अपराधी का जो आतंक था आप लोग नहीं देखे होंगे, उसके खात्मा का वक्त आ चुका है, प्रशासन ने उसको खत्म कर दिया है। आज जो राइफल बंदूक दो दिन से चमका रहे हैं तो पुलिस का हर एक चीज नजर है और वो सोचते हैं मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। अरे देखिए भाई, उसको सब राजपूत को मरवा रहे हैं, ये आपको झाजी सब को मरवा रहे हैं, आपके पत्रकार भाई को मरवा दिए, उसका पैसा है। अगर वो आतंक नहीं करेंगे, घटना नहीं करेंगे तो भोजन क्या चलेगा उनको? उनको नेताजी लोग कहता है, उनको नेताजी कोई नहीं कहता, लोग कहता है गुंडा आया, गुंडा आया, गुंडा आया, दो दिन से लोग सोता नहीं है, पुलिस बेचैन है, प्रशासन बेचैन है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं ये जो गुंडा फिर आतंक राज पैदा कर रहा है तो इसके आतंक पर निगरानी रखा जाए। ये तो घटना करेगा ही, क्या इसके ना खाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था है? ये सिर्फ अपना बैठ के दुकान चलाता है और अपराध करता है। और जहां तक मुझे आप लोग सोचिएगा, जो हम उससे डरते हैं तो हम उसको थोड़ा भी नहीं डरते हैं। मैंने उसके साथ जेल में भी रहे हुए हैं, तो पैखाना जाता है तो चार गो खड़ा रखता है जो मारने को, इतना डरा डरपोक है। लेकिन गोली चलवा चलवा के वो सब जगह आतंक फैला के पैसा तसीली करके वो सोचता है हम बहुत बड़ा गुंडा है। अरे गुंडा हो तो समाज का सेवा करो, कभी वार्ड कमिश्नर बनो। और मेरा उनको चैलेंज है, आप लोग उनसे बात कीजिए, वो जिस विधानसभा से लड़ेंगे हम उस विधानसभा से लड़ेंगे। लेकिन वो भी तो महागठबंधन का गुणगान कर रहे हैं और आप भी महागठबंधन में हैं। तो गुणगान करने को तो डर से गुणगान कर रहे हैं ना, और मेरा तो खानदान महागठबंधन में रहा है ना, और तो डर से गुणगान बन गए, बचाओ बचाओ बचाओ, मतलब कि हम बचाओ बचाओ करेंगे फिर किसी को मरवा देंगे। जो लोग बुझेगा कि नहीं, समाज बुझेगा कि नहीं, हम तो बचाव कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं, जो हमको लोग बहुत अच्छे समझते हैं, भाई आपको किस रूप में देखते हैं? जो गुंडा जेल से आ गया फिर आतंकवादी जेल से आ गया, कभी सुने हैं कोई मंत्री जेल से आ गए? आपके भाई के हत्याकांड में सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जांच कराया जाए। जिस मोबाइल लोकेशन से मुझे प्रशासन द्वारा एक महीना पहले से जानकारी था कि कुंदन सिंह आपको मरवा देगा, लेकिन मुझे थोड़ा भी आवास नहीं था जो इतना नीचे हरकत करेंगे और मेरे भाई को मरवा देंगे। हमको मरवा दो, 20 साल से अभी हमको मरवा चुके हैं, 2 बार गोली भी चलवा चुके हैं, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हुए, शायद ऊपर वाला का देना है। तो क्या लग रहा है फिर आप पे कोई खतरा हो सकता है? खतरा जब उसका पैसा है, धंधा है, तो खतरा तो करेगा ही ना। अगर वो खतरा नहीं करेगा, आतंक नहीं फैलाएगा, तो क्या करेगा? उसका क्या धंधा है बोलिए? कहीं दुकान खोला हुआ है, बिस्कुट उस्कुट का है क्या, जो बिस्कुट बेच रहे हैं हसनपुर में? तो राजनीति में आगे फिर चुनाव लड़ने की भी काफी योजना है? हमको तो, हम तो चुनाव लड़ने के लिए सब दिन से तैयारी थे और तैयार भी हैं। जब हमारे महागठबंधन में आ गए खुद तेज प्रताप जी, तो हम उनके साथ थे। अब कोई पाछे पाछे साथ हो गया, वो जेल में थे तभी हम साथ दिए। अरे भैया आप क्या है जो जेल से साथ दे दिए? कभी लालू जी को देखे हैं नजदीक से? लालू यादव कौन है? वो लालू यादव को दिखाने वाला मैं हूं उनको,
उनका बेटा मरने पर था, उनकी पत्नी आई थी जेल गेट पर, तो मैंने ही उनको व्यवस्था करवाया था और उनसे मिलवाया था। और उनका बेटा जो आज जिंदा है वो अशोक यादव का देन है, क्यों लालू जी यादव खुद उनके बेटा को एम्स में दिखवाया जो इनका बेटा आज जिंदा है। उनके पत्नी से पूछिए। इतना करने के बाद भी प्रतिद्वंदता बरकरार है आपके बीच? मैं तो कभी उनके पास प्रतिद्वंदता भी नहीं रखा, मैं तो उनको मदद ही किया। मुझे बोला पैसा नहीं है, जब मेरा ठेका चलता था तारचार जिला में, मैं ठेका भी दे दिया। वो 50 लाख रुपया अभी भी मेरा रखा हुआ है। वो कहता मैं असली राजपूत हूँ जवान का, तो उनको बोलिए मेरा 50 लाख रुपया दे देंगे, नहीं हो तो बेटा के लिए खिलाइए उनको। ले तो आतंकवादी है, उसके पास दिल नहीं है, ना कोई जात है ना कोई धर्म है, और सिर्फ डराना जानते हैं। वो कहते हैं कि हम फल्ला का साथ देकर विधायक बना देंगे। अरे भैया तो आप क्या विधायक बन जाते हैं, आप तो विधायक बनिए। जीवन में वही कुकर्म किए हैं जो हम एमएलए बने तो बन गए एमएलए। किसी को मरवा के समाज नहीं आप बन सकते हैं कुछ, समाज के मुख्य धारा में आइए, समाज के साथ रहिए। कई लोगों को मरवा के हमको फंसवा दिए। अब नहीं तो जो निरीह प्राणी एक 70 वर्ष से बूढ़ा पासवान को हसनपुर चिमनी पर मरवा दिया, अब बताइए। हमको कहता था मुताले के, लेकिन परिवार नहीं तैयार हुआ, भतीजा सबको बर्बाद कर दिए। लेकिन समाज में आप लोग समझाइए उनको, समाज में मुख धारा आइए। आपको न्याय अभी नहीं मिला है, न्याय जब आप बड़ी होंगे केस से तब आपको मिला न्याय मिलेगा ना। नहीं आप उछल कूद कीजिएगा तो फिर आपका बेल टूटेगा। मैं तो सोचा जो नहीं बुजुर्ग है अब सुधर गए होंगे, पाप उनका कुछ धुल गया होगा, उनका भी परिवार है, मैं सिर्फ उन पर दया किया हूँ जो नहीं वो परिवार के साथ रहे और अच्छे धारा में आए। अगर किसी तरह मेरे या मेरे परिवार पर वो किसी तरह कोई घटना करवाते हैं तो मैं फिर उनका बिल तुड़वा दूंगा। हम प्रशासन के संपर्क हैं, प्रशासन के साथ हैं। हम उस गुंडागर्दी के कुंदन सिंह ऐसा आतंकवादी के हम विरोध है। और इस समाज को नए नए लड़का है उनको समझाइए, कोई उनको अच्छा समझता है? नेताजी तो क्या है कहीं वो वार्ड कमिश्नर बन जाए, आप लोग भी उसको चमकाते हैं नेताजी आए डॉन आए। क्या डॉन आए, जो दूसरे का पैसा छीनता है दूसरे का अधिकार सुनता है वो डॉन कब का हो गया? उनके पास त्याग है? देखिएगा व्यवसायी सब तरह से हसनपुर से बड़ा बड़ा मारपीट करता, आपको रोसरा में करोड़ों का जमीन कब्जा कर लिया मारवाड़ी का, कल भी बंदूक तंदूक लेकर उसको डरा रहा था, चमकाने वहां पहुंच गया। वो प्रशासन सब चीज पर नगर रखे हुए है और मुझे आशा है प्रशासन हमको सहयोग करेगी, हमारी सुरक्षा करेगी। हम निश्चिंत हैं, हमको कुंद ऐसा गुंडे से डर नहीं लगता है। कुंदन सिंह ऐसे कई गुंडा को मैंने देखा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसके धमकी और धड़की का मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धमकी भी दिया गया है क्या? धमकी? अरे वो बंदूक चमका के क्या क्या बोलता है, बिथान में तो बिथान में है जो मैं जिस तरह निकलता हूँ अकेले। तो ये कुंदन सिंह अगर मर्द है, उसका मन में है जब मैं मर्द हूँ तो जिस तरह मैं अकेले घूमता हूँ घूम के दिखावे, अकेले चले। लेकिन वो तो चला नहीं सकता है, वो फौज लेके चलेगा, फौज लेके डरो हमसे डराएगा इस समाज को। तो उसके लिए तो प्रशासन है, प्रशासन की सुरक्षा करना हमारा जो जिम्मेवारी है, प्रशासन हमको कैसे सुरक्षा करेगी वो तो उनका काम है ना, वो सब चीज़ देख रही है, उसके लिए हम थोड़ा भी परेशान नहीं है।